हेलो तो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। वेलकम बैक टू वीडियो। तो गाइस, आज मैं बनाने वाला हूँ एक पूरा का पूरा डायमंड आर्मर अपने हार्डकोर वर्ल्ड में। तो पिछली वाली वीडियो में मुझे एक विलेज मिला था एंड मैंने अपना पूरा का पूरा आयरन आर्मर भी बना लिया था। तो आज की इस वाली वीडियो में किसी भी तरह मुझे डायमंड आर्मर बनाना है, लेकिन उससे पहले मुझे एक माइन वगैरह बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं सबसे पहले ऐसा करूँ, बहुत सारे स्टोन की पिकैक्स बना लेता हूँ फिलहाल के लिए। एंड अगर आपको पता हो तो मेरे पास 2 डायमंड ऑलरेडी थे। हाँ, पिछली वीडियो में मुझे इसी विलेज से मिल गए थे। एंड यहाँ पे मैं भाई क्या करूँ, मुझे खुद नहीं समझ आ रही। अच्छा चलो छोड़ो, यहाँ पे मैंने पिकैक्स वगैरह ले ली है। एंड अभी मैं ऐसा करता फटाफट से यहाँ पे एक साइड में एक बढ़िया वाली माइन बना लेता हूँ। हाँ, ये वाली जगह मुझे सही लग रही है। यहाँ पे फटाफट से मैं बनाना स्टार्ट कर लेता हूँ माइन। एंड एक सेकेंड, हाँ अभी सही है। तो अभी मैं क्या कह रहा था, यहाँ पे पहले बहुत बढ़िया से माइन बना लेते। एक्चुअली ना मैं सोच रहा था ऐसे डिग डाउन कर लूँ, लेकिन ये आइडिया ना थोड़ा रिस्की है, तो स्टेयर वाली माइन बढ़िया रहेगी। तो ऐसा करता हूँ, यहाँ पे पहले नीचे जाकर ये जो डर्ट है ना वो यहाँ पे हॉट बार में लेके थोड़ा ऊपर जाके मस्त वाले एक स्टेयर केस बना लेता हूँ माइन तक। और रेड, लेट्स गो यार। इसमें टाइम थोड़ा लगने वाला है, तो मैं आप सभी से मिलता हूँ माइन बनाने के बाद। और राइट, मैंने माइन बना लिया। अभी फटाफट से भाई सीधा माइन करता हूँ और देखता हूँ यार कब तक डायमंड मिलते हैं। तो फटाफट से भाई माइन करना स्टार्ट करता हूँ। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, इतना तो मुझे पता है। ऑल राइट, फाइनली बहुत टाइम के बाद मुझे यहाँ पे डायमंड मिल चुके हैं। एंड हाँ, यहाँ पे थोड़ी बहुत हरकतें हो चुकी है। मेरी रिकॉर्डिंग खुद से बंद हो गई थी और मुझे पता भी नहीं लगा। एंड अभी मुझे 5 डायमंड और मिल गए थे यार, मुझे सीरियसली पता नहीं लगा। एंड हाँ, मैंने यहाँ पे 2 आयरन की पिकैक्स और बना ली थी। लिटरली अगर मुझे पता होता तो मैं उसी वक्त यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता यार। चलो कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती। बाकी ऐसा करता हूँ, मैं फटाफट से इस चेस्ट से ना बहुत सारे ये खाना ले लेता हूँ एंड फटाफट से चलता हूँ यार। मैं सोचता हूँ किसी केव वगैरह में जाऊँगा यार। ऑल राइट, यहाँ पे चलता हूँ। नहीं, ऑल राइट गाइस, थोड़े कांड हो चुके हैं। मैं यहाँ पे लिटरली मर गया था, केव में गया था, लिटरली मैं मर गया था, मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। एंड मैंने जब मुझे ये 11 डायमंड मिले थे ना, मैंने पहले ही वर्ल्ड का बैकअप बना लिया था, तो उसकी वजह से ना मतलब डायमंड्स वगैरह मेरे गए नहीं। बट पता नहीं क्या हो गया, एक्सपी का ग्लिच हो गया यार, पता नहीं भाई क्या हो रहा है। मैंने वर्ल्ड अपलोड किया, थोड़ा सा वो क्रैश हो गया था, उसके बाद ना मैंने थोड़ा फिक्स वगैरह किया, उसके बाद यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ कि एक्सपी का ग्लिच हो गया यहाँ पे। पता नहीं भाई क्या कांड हो रहे हैं यहाँ पे। चल छोड़ो यार, अभी मैं चुपचाप चलता हूँ यार पहले घर में, मतलब घर में नहीं है यहाँ पे, माइन में चलता हूँ। एंड हाँ, मैंने 2 ट्रैपडोर भी बना लिए। मैंने ना यूट्यूब से थोड़ा ट्यूटोरियल देखा था कि डायमंड जल्दी कैसे मिलते हैं। हाँ सही में यार, मुझे बहुत कम डायमंड्स मिल रहे थे एंड शायद से मुझे इस ट्रिक से थोड़े बहुत ज़्यादा डायमंड्स मिल जाएं। तो मैं ऐसा करता हूँ फटाफट से यार नीचे जाकर आप सभी से मिलता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ पे नीचे आ चुका है, बस मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत ब्लॉक्स माइन करके यहाँ पे एक ट्रैप डोर लगाना है कुछ ऐसे। तो अभी बस मुझे यहाँ पे क्रॉल करना है। एंड हाँ, बस इतना सा काम था। भी मुझे वही सेम चीज़ यहाँ पे करनी है जो मैंने नीचे की थी। तो हाँ, इसमें भी शायद से थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, तो फटाफट से लगते हैं माइनिंग पे। ऑलराइट, फाइनली यार मुझे जल्दी डायमंड मिल गए यार। इस ट्रिक से थोड़े बहुत तो डायमंड्स मिलने के चांसेस हैं यार। ऑलराइट, यहाँ पे मुझे टोटल 5 डायमंड मिले हैं। सही है भाई, मस्त। ऑलराइट, अभी इसे बंद करता हूँ एंड बस मुझे ऐसे ही यहाँ पे और डायमंड्स माइन करने हैं। ऑलराइट, यहाँ पे भी मुझे थोड़े बहुत डायमंड्स मिल चुके हैं। ऑलराइट, यहाँ पे टोटल 3 डायमंड है। चलो बढ़िया ही है, कोई बात नहीं। ऑलराइट, अभी मेरे पास इन्वेंट्री में टोटल 8 आयरन हो चुके हैं। अभी बस मुझे ऐसे ही थोड़े बहुत और डायमंड्स माइन करने हैं, बस थोड़ा ज़्यादा टाइम ना लगे यार, जल्दी मिल जाए। ऑलराइट, अभी यहाँ पे माइन करता हूँ, फटाफट से यार माइन करता हूँ यार। ऑलराइट गाइस, मैं ऐसे तो बहुत ज़्यादा माइन कर चुका हूँ, ऐसे थोड़े से कम मतलब इस साइड थोड़े कम चांसेस है। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस साइड जाता हूँ एंड थोड़ी बहुत अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता हूँ, उससे शायद से मुझे थोड़े बहुत डायमंड्स मिल जाएँ। ऑलराइट, यहाँ पे मैं फटाफट से ऐसा करता हूँ, सामने की तरफ माइन करता हूँ। एंड मेरे हिसाब से यार इतना माइन बहुत है, अभी साइड में यहाँ पे माइन करना स्टार्ट करता हूँ। थोड़ा सा मैं आगे जाऊँगा, उसके बाद यहाँ पे मैं वही ट्रिक यूज़ करने वाला हूँ।
ऑलराइट ऐसे तो भाई मैं बहुत ज़्यादा माइन कर चुका हूँ, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा कम डायमंड मिल रहे हैं। तो मैंने ना खुद से एक वो बनाई है ट्रिक, शायद से मुझे इससे थोड़े बहुत ज़्यादा डायमंड्स मिल जाएं। तो मैं ऐसा कर फटाफट से ऐसा ना थोड़े बहुत ब्लॉक्स ऊपर खोदता हूँ। वैसे ऊपर खोदने का इतना ज़्यादा फ़ायदा है नहीं, फिर भी यार चलो खोल लेता हूँ, क्या पता मिल जाए। एंड यहाँ पे थोड़े से ब्लॉक नीचे खोद के उसके आसपास खोदता हूँ, ऐसे क्या है ना कि मुझे डायमंड्स मिलने के थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं। पता नहीं मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन हाँ थोड़े बहुत तो यार चांसेस रहेंगे शायद से। ऑलराइट, यहाँ पर माइन करने पे मुझे कुछ भी नहीं मिला। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ भी नहीं था, अभी उस साइड माइन करता हूँ। एंड मेरे हिसाब से मुझे ऊपर माइन करने की ज़रूरत है कि नहीं, चलो एक बार माइन करके देख ही लेता हूँ। ऑलराइट, नहीं है यार ऊपर नहीं मिलते ये मैक्स, मतलब मैक्स तो नहीं है लेकिन हाँ इससे ऊपर नहीं मिल सकते, मतलब मिल तो सकते हैं, क्या बोल रहा हूँ यार मैं, हाँ मतलब कम चांसेस रहते हैं, मैं कह रहा था। हाँ बस अभी मुझे ऐसे ही माइन करना है। एंड हाँ बस ये वाली ट्रिक यूज़ करके शायद से यार मुझे थोड़े बहुत डायमंड्स मिल जाए, बहुत कम डायमंड्स की ज़रूरत है अभी मुझे। ऑलराइट, यहाँ पे भी नहीं थे। ऑलराइट, अभी यहाँ पे मैंने थोड़ा बहुत ही माइन किया था, तो ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं होगी। मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे आकर यहीं पे वो वाली ट्रिक यूज़ करता हूँ, और इस बार ना मैं तीन की जगह चार ब्लॉक करता हूँ, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा नीचे ना डायमंड ज़्यादा मिल सकते हैं। ऑलराइट, लगता है मेरी बनाई हुई ट्रिक काम कर गई। भाई साहब फाइनली डायमंड्स यार मिल गए मेरे को। एंड यहाँ पे टोटल दो, नहीं भाई बहुत है। ऑलराइट, दो तीन, ओके यार ग्लिच हो रहे, तीन चार आठ, भाई टोटल आठ डायमंड्स, लेट्स गो भाई। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको आठ डायमंड्स कहीं पे भी मिले ना, तो उसके आसपास देखा करो, ठीक है ना। यानी कि एक दो मिले तो उसके आसपास देखने का कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अगर ज़्यादा डायमंड्स मिलते हैं ना, छः से ज़्यादा, तो उसके आसपास माइन करने से हमें ज़्यादा डायमंड्स मिलने के चांसेस रहते हैं। हाँ मैंने ये गूगल से नहीं, खुद से बनाया है, पता नहीं क्यों। वैसे ये काम तो कर गया यार, डायमंड और मिल गया, लेट्स गो भाई, हमारा काम हो गया। एंड बस इसको भी मैं फटाफट से माइन करता हूँ, एंड फटाफट से चलता हूँ यार घर पे, एंड बनाता हूँ फटाफट से एक मस्त वाला डायमंड का आर्मर। और एंड मैं ऊपर आ चुका हूँ, अभी मेरे पास टोटल 33 डायमंड्स हैं। एंड अपना सारा का सारा फालतू का सामान मैं चेस्ट में रख देता हूँ फिलहाल के लिए। एंड हाँ अभी बस थोड़ी बहुत मैं वुड यहाँ से ले लेता हूँ, एंड थोड़ी बहुत स्टिक्स भी ले लेते हैं। एंड यहाँ से मैं फटाफट से बना लेता हूँ अपने स्टिक्स। तो मैं ऐसा करता हूँ आप सभी से अपना पूरा आर्मर बनाने के बाद मिलता हूँ। ऑलराइट, फाइनली गाइस मैंने बना लिया अपना पूरा का पूरा डायमंड आर्मर। अभी बस यार मेरे को एक नेदर पोर्टल बनाना है, हाँ जिसके लिए मुझे ऑक्सीडियन चाहिए होगा। मैं पास वाले लावा पूल पर जा रहा हूँ, ऑक्सीडियन लेके आता हूँ। ऑलराइट, मैं ऑक्सीडियन लेके भी आ चुका हूँ। एंड फटाफट से ऐसा करता हूँ मैं यहाँ पे एक मस्त वाला नेदर पोर्टल भी बना लेता हूँ जल्दी से। सो फाइनली हमारा नेदर पोर्टल भी डन हो चुका है। तो गाइज यार सही में बता रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने में हालत टाइट हो गई थी यार। तो चलो गाइज आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।